A very nice good morning to all of you. I am Rabin Shar. In the previous lecture, we had discussed about the story of the fee tree. This is the first chapter of classics of English literature. Today I will discuss about the remaining part of this story. So let's student start now. स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस स्टोरी को यादगार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे जैसा कि हमने पिछले इसके स्टोरी में बताया था आप लोगों को कि एक फिर ट्री है देवदार का वृक्ष है जो जंगल से थोड़ी बाहर है कुछ दूरी पर है और भी उसके बहुत सारे साथी उसके आसपास उपजे हुए थे और वह चाहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ सबसे बड़ा बनना चाहता था सबसे बड़ा होना चाहता था और उसकी अपरत्थना भी स्वीकार होती है और वह बहुत बड़ा लंबा वृक्ष भी बन जाता है लेकिन देखता है क्या क्या, क्या है कि एक साल की भतीज हारे आते हैं और लकड़ी काट कर एक साल एक न एक पेड़ काट कर ले जाते हैं तो पेड़ जो इस बात से चिंतित था कि आखिर वो लोग ले जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं करते क्या है उन्होंने चिड़िए से पूछा गौरैया से पूछा सारस पक्षी से पूछा अभावी पक्षी से पूछा किसी ने किसी ने कुछ कुछ बारे में बताया कि हमने रास्ते में देखा चिड़ियों ने बताई कि हमने शहर में एक खिड़की से देखा कि घर में ले जाकर उन लोग सज इसको बहुत सजा रहे थे यह दृश्य बहुत अच्छा था तब तक वह पेड़ पूछता है कि और आगे क्या हुआ तो गौरैया बोलती है कि आगे हम लोग कुछ नहीं देखे लेकिन जो भी था वो बहुत सुंदर दृश्य था अब ये पेड़ को मन में सोचता है कि मैं भी जाऊंगा और देखूंगा कि आगे क्या होता है और उसको खुशी होती है तो बोलता भी है कि अगले साल मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ और लोग आएंगे और मुझे काट कर ले जाएंगे यह उसकी इच्छा होती है और शायद ऐसा ही होता है आगे कहानी में तब तक जहाँ पर ये उपजा हुआ था वहाँ पे सूरज की प्रकाश और हवा ये सारे चीज एकदम इसको फ्री मिल रही थी सूरज की प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा था ताजी हवा मिल रही थी उन्होंने इसको रोकता भी है कि नहीं तुम लोग हमारे में हमारी उपस्थिति में आनंद लो लेकिन पेड़ ने कोई आनंद नहीं लेता है और यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं शो लिशन केयरफुली बट द ट्री डिड नॉट रिज्वाइस एट ऑल लेकिन पेड़ ने कोई आनंद नहीं लिया क्योंकि वो देखना चाहता था जाना चाहता था वह। ही ग्रीव ग्रीव एंड एंड ग्रॉज ग्रीन बोथ विंटर एंड शमर पेड़ बढ़ता गया बढ़ता गया और गर्मी और सर्दी के मौसम में भी हरा भरा था क्रिसमस ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट दैट वॉज कट डाउन ही फेल टू दर्थ विथ ए साई ही फेल्ट ए सार्व पेन ही कुड नॉट थिंक ऑफ हैप्पीनेस फॉर हीपरेटेड फ्रॉम हीज होम इट मींस कि जब क्रिसमस आया तो क्रिसमस के समय में जब वो लोग पेड़ वो फिर ट्री जो काट कर ले जाते थे उनमें ये सबसे पहले काटा जाने वाला पेड़ था नहीं सबसे पहले इसको काटा गया धरती पर गिरा एक आह के साथ एक आह भरते हुए धरती पर गिरा दर्द भी महसूस हो रहा था दर्द भी महसूस हुई और वह इस समय खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकता था क्योंकि वह अपने घर से अलग होने पर बहुत दुख था दुखी था नेक्स्ट द ट्री वॉज अनलोडेड इन ए कोर्टयार्ड एंड कैरेड इन लार्ज ड्राॅइंग रूम द सर्वेंट एज वेल एज द यंग लेडीज डेकोरेटेड इट ऑन वन ब्रांच देयर हंग लिटिल नेट एंड लिटिल नेट कट आउट ऑफ कलर एंड इच नेट फिल्ड विथ इट मीन्स कि वह पेड़ को आंगन में ले जाकर रखा गया फिर वहाँ से ढोकर उसको ले जाकर एक बड़ा सा ड्राॅइंग रूम में ले जाया गया वहाँ पे नौकरों के द्वारा नौजवान औरतें उसको सजाने में लग गई उसको सजाया गया उस पेड़ को जैसा कि क्रिसमस डे के दिन होता है उसके एक शाखा पे एक पर बहुत सारे अखरोट कलर्ड पेपर पेपर के कटिंग कटिंग किए हुए जाल की तरह पेपर रंगीन पेपर सजाया गया सुगर पम्प जो चीनी का सुगर का जो कैंडी बनता है उस दिन उससे उसको भरा गया सजाया गया फिर दूसरे उसके नेक्स्ट एमोंग द अदर बो ग्लाइडेड एप्पल्स एंड वॉलट वेर हंग लिटिल ब्लू एंड व्हाइट टैपर्स वेयर प्लेस्ड एमोंग द लीव्स एट द वेरी टॉप ऑफ ए लार्ज रेड स्टार वॉच फिक्सड इट वॉज रियली एस्प्लेंडेड, इट मीन्स फिर दूसरे ब्रांच पे एप्पल्स कुछ अखरोट लटकाए गए नीले उजले कलर की बत्ती लटकाए गए उसके पत्तों पर और सबसे ऊपरी हिस्से पर सबसे ऊपरी अग्रभाग पर एक बड़ा सा रेड स्टार लगाया गया फिक्स किया गया नेक्स्ट पेज में हम इसका पिक्चर भी देखेंगे सचमुच यह बहुत सुंदर दृश्य था नेक्स्ट दिस इवनिंग दे ऑल सेड हाउ इट विल दिस इवनिंग आज शाम सभी लोग कह रहे थे सभी लोगों ने कहा क्या कि आज शाम कैसे चमकोगे फिर ट्री हाउ इट विल साइन दिस इवनिंग आज शाम तुम कितना सुंदर चमकोगे नेक्स्ट ओह ट्री पर इन द इवनिंग द अदर ट्रिप फ्राम द फॉरेस्ट विल कम टू लुक एट मी आई वंडर इफ आई शैल टेक रूट हेयर एंड विंटर एंड समर स्टैंड कवर्ड विथ ऑर्नामेंट्स अब देखिए पेड़ को कितना खुशी होती है सोचता है ओह शायद आज शाम में जंगल से बहुत सारे पेड़ भी हमको देखने आएंगे कितना सुंदर होगा कितना चर्ज होगा यदि मैं यहीं पर जड़ ले लूँ मतलब यहीं पे जड़ लगा दूं पेड़ का तो जाड़े और गर्मी में भी इस सजावट से इस आभूषण से हमेशा सजे रहूंगा अंदर अंदर पेड़ को क्या होती है खुशी होती है नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन द इवनिंग द कैंडल्स वे लाइटेड इन एवरी बो व्हाट ब्राइटनेस द ट्री ट्रेम्बल सो वन ऑफ द टेपर सेट फ्री टू द फॉलिग इट स्टार्टेड बर्निंग इट मींस की शाम में बत्तियां जलाई गई मोमबत्ती जलाये गए उसके हरे शाखाओं पे हॉट ब्राइट निस्किया चमक है द ट्री टेम्बल पेड़ जो है कपने लगा क्योंकि वन ऑफ द टेपर सेट फ्री टू द फॉलिंग एक जो बत्ती जो था वो जो नेचुरल लाइट लगाया गया था उजले और ब्लू क्या हो गया था कहीं से फ्री हो गया था कट गया था जलने लगा हेल्प 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 नेक्स्ट क्राइड द यंग लेडीज एंड दे क्विकली पुट आउट द फायर जो भी नौजवान औरतें थी जब ऐसा चीज देखी तो चिल्लाई की हेल्प हेल्प मदद करो तो लोग आए और आग को बुझा दिया यानी आग पर काबू पा लिए नेक्स्ट क्या होता है नाउ द ट्री डिड नॉट इवन डेयर ट्रेम्बल What a state he was in! He was so uneasy. Suddenly, both the doors opened and troop of children rushed in. They danced around the tree and one present after the other was pulled off. It means अब क्या होता है? Tree जो है ऐसा कभी नहीं कापा था पहले ऐसा कभी नहीं कापा था कैसा वह अवस्था में था क्या वह अवस्था थी वह किस परिस्थिति में था बोलता है क्या वह परिस्थिति थी जब आग लगा था सचमुच में बहुत डिफिकल्ट था सोच रहा था तब तक दरवाजा खुलता है अचानक बूथ तडोस दोनों दरवाजे खुलते हैं और एक बच्चों का समूह तेजी से दौड़ते हुए पेड़ की तरफ आता है और पेड़ के चारों तरफ गोल गोल डांस करने लगते हैं वन प्रजेंट आफ्टर द अदर वाज पुल्ड अप एक के बाद एक ऐसा होता है प्रजेंट करते हैं और चले जाते हैं व्हाट आर दे अबाउट नेक्स्ट लिसन व्हाट आर दे अबाउट थॉर्ड द ट्री व्हाट इज टू हैपन आउ ट्री सोचता है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं अब क्या होने वाला है इसका मतलब क्या है अब क्या होगा एंड द लाइट बर्न डाउन टू द वेरी ब्रांचेस और लाइट जो है उसके सभी ब्रांचेज में जलाया गया एज दे बन डाउन दे वन आफ्टर द अदर चिल्ड्रेन फेल अपन इट विथ सच वायलेंस दैट ऑल इट्स ब्रांचेस क्रैक इट मीन्स जब लाइट जली बत्ती जली क्या हुआ सभी शाखाओं में बत्ती जल गई जिसे बत्ती जली सब बच्चे फिर एक के बाद एक वहीं खेलते हुए बच्चे इस तरह से खेल रहे थे कि सच वायलेंस इस तरह के हिंसा के साथ बच्चे जो है गिर जाते हैं और पेड़ की शाखाएँ जो है क्रेक हो जाती है यानी टूट जाती है नेक्स्ट द चिल्ड्रेन डांस अबाउट विदर ब्यूटिफुल प्ले थिंग्स नो वन लुक एट द ट्री एक्सेप्ट द ओल्ड नर्स हु पिप्ड बिटवीन द ब्रांचेज बट इट वॉज ओनली टू सी इफ देयर वॉज अ फिग और एन एप्पल लेफ्ट दैट हैड बीन फॉरगेटेन फिर बच्चे अपने खूबसूरत वादियों के साथ डांस किए नृत्य किए बृद्ध नर्स वृद्ध नर्स को छोड़कर किसी ने पेड़ को नहीं देखा वह अभी पेड़ को झाक झाकी झाक कर देखी कि कोई एप्पल एप्पल या कोई फल उल अजीर का फल फिग या एप्पल कोई बाचा तो नहीं है इसीलिए वह पेड़ में झाक रही थी बाकी दूसरे किसी ने पेड़ को नहीं देखा यानी इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पेड़ को मन ही मन थोड़ा दुख होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है और जो दो औरतें देख भी रही थी ओल्ड नर्स वो भी अपने मकसद के लिए ही ताकझाक कर रही थी नेक्स्ट ए स्टोरी ए स्टोरी क्राइड द चिल्ड्रेन ड्राइंग अ लिटिल फैट मैन टुवर्ड्स द ट्री ही हिमसेल्फ अंडर इट एंड सेड एक कहानी एक कहानी बच्चे चिल्लाते हैं तब तक एक सजा धजा आदमी ड्राइंग किया हुआ एकदम मोटा आदमी पेड़ की तरफ से आता है खुद से बैठता है और खुद खुद से बैठा और कहा नाउ वी आर इन सेड अब हम लोग छाया में है बच्चे ने क्या नहीं उसे गुहार लगाते हैं कि कहानी सुनाए कहानी सुनाओ तो पेड़ की तरफ से एक आदमी मोटा आदमी आया जो क्रिसमस के डे जो जिंगर बेल होता है ना वैसा ही आया बैठा और कहा हम लोग अब पेड़ के नीचे हैं या पेड़ भी द ट्री कैन लिसन टू या पेड़ भी सुन सकता है बट आई शैल टेल ओनली वन स्टोरी लेकिन मैं केवल एक ही स्टोरी सुनाऊंगा ओनली वन बच्चे थोड़ा सा केयर करेंगे आप

तो बोला कि एक ही कहानी सुनाऊंगा अब तुम किसको सुनना पसंद करोगे एफ डी एफ डी के बारे में या फिर हमटी डमटी के बारे में जो दीवाल से गिर कर दीवाल से गिरा था और फिर भी उसकी शादी एक राजकुमारी से हुई तो अब डिसाइड कर लो कि किसके बारे में सुनोगे डियर स्टूडेंट्स Uh, we will teach, we will discuss about this story in the next page. Okay. Thank you.